एक विशेष अदालत ने शुक्रवार को एनसीपी मंत्री नवाब मलिक के खिलाफ ईडी के आरोप पत्र पर संज्ञान लिया और कहा कि इस बात के प्रथम दृष्टा सबूत है कि मलिक सीधे तौर पर और जानबूझकर कुरला में गोवा वाला परिसर को हड़पने के लिए मनी लॉन्ड्रिंग और आपराधिक साजिश में शामिल थे। अदालत ने मलिक और 1993 बम धमाकों के आरोपी सरदार शाहवाली खान के खिलाफ प्रक्रिया जारी की है, जिसका नाम भी इस मामले में है। विशेष न्यायाधीश राहुल एन रोकड़े ने कहा, आरोपी नवाब मलिक ने डी कंपनी के सदस्यों यानी हसीना पारकर, सलीम पटेल और सरदार खान के साथ मिलकर मुनीरा प्लम्बर की प्रमुख संपत्ति को हड़पने के लिए आपराधिक साजिश रची थी। अदालत ने आगे कहा कि इसीलिए मलिक ने पारकर और अन्य की मिलीभगत से संपत्ति हड़प ली थी, जो धन शोधन निवारण अधिनियम के तहत अपराध की आय थी। आगे कहा गया कि अपराध की आय का अधिग्रहण अवैध गतिविधियों से उत्पन्न होता है। विशेष न्यायाधीश ने कहा कि प्रथम दृष्टया सबूत है कि आरोपी सीधे और जानबूझकर मनी लॉन्ड्रिंग अपराध में शामिल है, इसीलिए वह पीएमएलए की धारा 3 के तहत परिभाषित मनी लॉन्ड्रिंग के अपराध के लिए जिम्मेदार है और धारा 4 के तहत दंड के लिए उत्तरदायी है। वहीं मलिक के खिलाफ ईडी के आरोप पत्र में कहा गया है कि मलिक ने एक सर्वेक्षक के माध्यम से गोवा वाला परिसर में अवैध किराएदारों का सर्वे किया था और सर्वेयर के साथ समन्वय के लिए सरदार शाहवाली खान की मदद ली थी। ईडी ने अपने आरोप पत्र में ये भी कहा है कि मलिक ने हसीना पारकर व सरदार खान के साथ परिसर पर कब्जा करने के लिए कई बैठकें की थी। Love you, Deepika. Bye. सब जानना चाहते हैं, मेरा फेवरेट कलर, मेरा फेवरेट डेस्टिनेशन, मेरी फेवरेट डिश, पर कोई ये नहीं पूछता कि फेवरेट डिश मैं बनाती कैसे हूँ। अरे यार, जिसे टेस्टी खाना पसंद है वो अच्छे टेस्ट तक पहुँच ही जाता है। सुरुचि मसाले, खाने में हो रुचि तो घर लाइए सुरुचि।